15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे भारत रत्न राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दुद्दीन अब्दुल कलाम था। डॉक्टर कलाम का शुरुआती रुझान अंग्रेजी साहित्य की ओर था। बाद में उनकी इच्छा भौतिक शास्त्र पढ़ने की हुई। उन्होंने विज्ञान और ब्रह्मांड, ग्रह नक्षत्र और ज्योतिष का गहराई से अध्ययन किया। भारत आज मिसाइल शक्ति में काफी आगे है तो उसके पीछे कलाम ही है। कलाम ने अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों को स्वदेशी तकनीक से बनाया। डॉक्टर कलाम ने साल 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी कक्षा के निकट स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। साल 1998 में उन्हीं की देखरेख में भारत ने पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया। कलाम के जीवन पर आधारित दो किताबें तेजस्वी मन और फिर अग्नि की उड़ान काफी फेमस हुई। कलाम देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने संसद में अपने भाषण के दौरान पंथ निरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल किया था। कलाम को साल 1981 में भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च नागरिक का सम्मान पद्म भूषण और फिर 1990 में पद्म विभूषण और 1997 में भारत रत्न प्रदान किया। भारत के सर्वोच्च पद पर नियुक्ति से पहले भारत रत्न पाने वाले कलाम देश के केवल तीसरे राष्ट्रपति हैं। उनसे पहले ये मुकाम सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन ने हासिल किया। राष्ट्रपति पद संभालने के बाद उन्होंने अपनी जमा पूंजी और तनख्वाह एक ट्रस्ट के नाम कर दी थी।